और ये हमारी बानी की फर्स्ट फ्लाइट है भाई, फर्स्ट अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट। ये देखो व्लॉगर के डैडी आप भी व्लॉग बना रहे हो क्या है? ये देखो जी फुल मजे लेते हैं। अगली बार साली के साथ आएंगे। तो भाई मेरी मम्मी हीरोइन, ये क्या बात है। बानी जा रही है अपनी परनानी के पास, है ना? हमारी नानी इसकी परनानी। ये हमारी भाई फ्लाइट है, इसका है एंकोर एयरलाइन, जो कि अभी बैंकॉक से आ रहे सीधा और अभी मुंबई जाएगी। बहुत ज्यादा वेट कराया यार स्पाइसजेट ने, अगली बार नहीं करेंगे स्पाइसजेट को बुक। ये वाली सीट हमारी भाई बानी की है, पर अभी बानी गोदी में है। फाइनली ये हमारी दिल्ली सारी, क्या बात है यार। पापा डर लग रहा है। सो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं जा रहा हूं मुंबई, और मुंबई जा रहा हूं बाय फ्लाइट। तो आज की जो वीडियो में मेरे साथ फ्लाई करने वाले, मतलब फ्लाइट के थ्रू मुंबई पहुँचने वाले, वो मेरी पूरी फैमिली है, जिसमें मेरा भाई है छोटा जो कि लंदन से आ रखा है, एंड साथ ही साथ हमारी सबसे छोटी बहन जो अपने मतलब ससुराल रहती है, और वो भी हमारे साथ इस बार इस ट्रिप पे जा रही है। तो वो भी जा रही है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, एंड मेरे मॉम एंड डैड उनकी भी फर्स्ट फ्लाइट है मुंबई तक की। तो चलो चलते हैं और आपको ये ट्रिप दिखाते हैं कि कैसे हम अपना, जैसे मम्मी डैडी हैं वो फर्स्ट टाइम कैसे फ्लाई करते हैं। तो जी मिलिए मेरे डैडी, मम्मी और सबसे छोटी बहन, एंड हमारे सबसे छोटी बानी जिसको जैस भी बोलते हैं भाई हम प्यार से, और इनका फर्स्ट टाइम है ट्रैवल जो कि बाय फ्लाइट मुंबई पहुंचने के लिए। तो एक्साइटेड हो? बहुत ये yeah. तो चलो चलते हैं, अभी हमारी कैब आ चुकी है बाहर, तो जल्दी से जल्दी बैग उठाते हैं और निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। ओके okay? और साथ ही साथ ये है हमारा बादशाह, क्या हाल है हमारा कमल सिंह, जो कि लंदन रहते हैं अब और कुछ टाइम के लिए हमारे पास ही है। तो चलो चलते हैं, और ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा, है ना, उन्होंने एक साथ फैमिली में कि हमारा मुंबई तक एयरपोर्ट के मतलब फ्लाइट के थ्रू पहुंचना। तो जी अपनी कैब आ चुकी है और चलो चलते हैं, कैब में बैठ जाते हैं, सब बैठ चुके हैं। ओके लेट्स गो। तो जी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सुबह सुबह आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश अभी बंद हुई है यहाँ पर, और बारिश वाले मौसम से। बाकी अगर हम दिन में कभी यहाँ से निकलते ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और अभी देखो जी बिल्कुल ही खाली। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल 3, और ट्रैफिक देख सकते हो जी, ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और बाकी वहाँ की तरफ हमें जाना है, यहाँ से अभी एंट्री होगी टर्मिनल 3 से। अभी हम इस कैब में आए थे और पहुँच चुके हैं टर्मिनल 3, और देख सकते हो अभी हम गेट नंबर 2 पर खड़े हैं, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और साथ ही साथ इस बार हमारी बानी जा रही है, बानी जा रही है इस वाली हमारे साथ, और ये हमारी बानी की फर्स्ट फ्लाइट है भाई, फर्स्ट अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट। सो ये जब बड़ी होगी और ये वीडियो देखेगी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, मेरी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी, अभी तो समझ नहीं पाएगी हमारी छोटी सी। तो बाकी मेरी बहन है, मेरे पापा हैं, मेरे भाई फ्रॉम लंदन, माय मॉम, और जी और आपका एक्सप्लोर विद अमरीक। तो चलो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर अपने फैमिली के साथ। ये चलो ओए मामा को देख लो, मामा को ये देखो जी, ये ट्रॉली लेने चला गया था भाई लड़का, कहता भाई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे इसमें लगेज जाएगा। ये मेहनती लड़का हमारा लंदन से आया हुआ, ये चलो चले ओके, चलो 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 चलो। चेकिंग ओके, और हम एंट्री ले चुके हैं, यह है कुछ हमारा दिल्ली इंटरनेशनल टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, तो देख सकते हैं। चलो हम अपना स्पाइस जेट देख लेते हैं कि क्या है हमारा फ्लाइट और किस गेट पर मिलेगी, तो फिर मिलते हैं। चलो इसको पुश करो नीचे, यस लेट्स गो। जैसे कि अभी हमारी फ्लाइट लेट है और हमारी बानी सो गई है भाई, सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट थी और 9:30 बजे की फ़्लाइट पे, चलो बानी सो जाओ। तो दोस्तों जैसा कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 6:10 की थी, और हम करीब 5:30 बजे पहुँच गए थे, और फिर हमें यहाँ आके पता लगा, पहले हम डर रहे थे कि यार हम लेट हो गए, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि हमारी फ़्लाइट ही लेट है, जो कि बैंकॉक से आती है दिल्ली, एंड दिल्ली से मुंबई जाती है डायरेक्ट। सो ठीक है, अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 9:30 बजे की है, और अभी हम गए थे चेक इन कराने अपने बैग में जो लगेज है वो जमा कराया हमने, एंड आते आते यार हमने उनसे बहसबाजी बहुत ज़्यादा करी कि यार हमें कुछ तो प्रोवाइड करो, फूड वगैरह, या हमें रिफंड वगैरह करो। तो इतनी सारी बातचीत, इतना सारा ड्रामा करने के बाद फाइनली अब उन्होंने हमारे को लॉन्च प्रोवाइड कराया एंड फूड प्रोवाइड कराया। सो चलो चलते हैं, फूड के एंजॉय करते हैं, और 9:30 बजे की जो फ़्लाइट है वो अटेंड करके पहुँचते हैं मुंबई, क्योंकि जाना तो है मुंबई यार। ये मॉर्निंग फेस,
बानी का मॉर्निंग फेस, ये ठीक है भाई, नानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने अपने बोर्डिंग पास ले लिए हैं और 9:25 की अब जो हमारी डिले फ्लाइट है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये देखो, ये हमारे बलजीत कुरियानी बानी की ये हमारी फर्स्ट बोर्डिंग पास है अपनी लाइफ का, तो स्पाइस जेट की तरफ से। ये देखो मम्मी ने फुल कवर कर रखा है भाई ये बानी, बानी की फ्लाइट है पहली, वाओ वाओ अभी भाई सुबह सुबह का वक्त है इसलिए नो स्माइल। यस, और कैसा लग रहा है फ्लाइट डिले हो गए? स्पाइस जेट की सर्विस, सॉरी, सो बैड, सो बैड, मैं इतना खफा हूं मैं। नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करेंगे स्पाइस जेट, है ना? तो बोर्डिंग पास लेके अभी हमने अपना सिक्योरिटी चेक भी करा लिया, बैग वैग सारे चेक करा लिए, मोबाइल वोबाइल सब अलग अलग ट्रे में रखना होता है, और अपनी बेल्ट तक भी उतार दी और अच्छे से चेकिंग कराई उन्होंने, तो ठीक है। बाकी अभी हम जा रहे हैं कुछ अपने खाने पीने के लिए। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो व्यू, ये दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। बाकी ठीक है, क्या क्या होता है आगे सब कुछ बताते हैं। लेकिन यार फ्लाइट हमारी लेट होगी ना, तो बहुत ज़्यादा प्लान जो था ना बना हुआ वो सब, ठीक है दोबारा से प्लानिंग बनाते हैं और निकलते हैं मुंबई। मशीन लगी हुई है और लिखा हुआ है पीने का पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर, तो पापा पी के दिखा दो एक बार कैसे करते। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? करो कैसे? ये फाइनली भाई सीख गए, ये तेरी। तो भाई कुछ इस तरीके से पानी पी सकते हो आप। तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मुंबई से दिल्ली आ रहा था ना, मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा ये है क्या चीज़ यार, और इधर पीने का पानी लिखा हुआ है। नो, तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है? बेटा बताएगा ली लंदन का बाबू है ना तू, इसलिए। लेकिन गाइज, मैं जब फर्स्ट टाइम आ रहा था ना मुंबई से दिल्ली, ये एक्सपीरियंस मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि ये एयरपोर्ट पर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो करते हैं हम भी, चलो यार पानी की प्यास को बहुत ज़्यादा लगी, पानी पीते हैं। दोस्तों अभी हम वॉशरूम वाले एरिया में आ रखे थे और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एक अलग से वॉशरूम है, तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ से अगर हम देखते हैं ना, ये बेबी केयर बेबी जोन, आप देख सकते हो ये जोन है बेबी बच्चों के लिए, और हमारे साथ जैसे बानी है तो ये इसके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखो यहाँ पर कुछ ये ऑयल वगैरह है, ये देखो ये मिरर दे रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा। बाकी ये टेबल है यार, ये देखो इधर रख के आराम से, ये देखो, तो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। बाकी ठीक है, ये भी छोटे बच्चों के लिए हमारे बहुत फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। तो अभी हम जैसे एयरपोर्ट पर हैं और अभी हमारी फ़्लाइट तो लेट है, लेकिन अभी हम यहाँ से एयर इंडिया इंडिगो, आगे भी एयर इंडिया एंड सबसे लास्ट में विस्तारा, तो कुछ अभी देख रहे हैं, तो ठीक है। हाँ जी, ये देखो ब्लॉगर के डैडी आप भी ब्लॉग बना रहे हो क्या हैं? ये देखो जी, फुल मज़े लेते हुए ज़िंदगी के मज़े, तो भाई साहब हमारे डैडी जी रहे हैं, ये देखो हैं, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और बहुत अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है जैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे आपको जो अभी देख रहा है उनको क्या कहना चाहोगे आप, इनको ये बताना चाहोगे कि आप भी आओ, ये कैसा है, कितने एक्साइटमेंट है वो बताओ कुछ। मेरे को यहाँ पर आने से बड़ी खुशी हुई। अच्छा, क्योंकि पहली बार मैं इसमें आया हूँ। अच्छा, जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं तो ये कहूँगा जितने भी अपने जो हमारे प्रेमी भाव आदमी है ऐसे में आए घूमने फिरे, अच्छा लगे। अच्छा, इस फ्लाइट में आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे, मतलब अगर आप सोचो कि या अगली बार जिसके साथ आना चाहो फ्लाइट में कौन होना चाहता है? अब तो पहले आप, जैसे हम फैमिली के साथ हैं, फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। नहीं, अगली बार किसके साथ आना पसंद करोगे? अगली बार जब हमारे अगली बार साली के साथ आएंगे। ये हमारी अमृत कौर हीरोइन, मेरा चश्मा चुरा लिया भाई इसने, ये मेरे को चाहिए वापसी। वापसी नहीं मिलेगा, तुम सगे भाई बहन हो गया? हमारी बानिया बीबी सोती हुई। शॉपिंग टाइम। ओके, शॉपिंग टाइम। तो भाई मेरी मम्मी हीरोइन, ये क्या बात है, क्या बात है। अलग ही लग रही ये बहुत ही ठीक है, चलो वापसी उतार लेते हैं, हमको खरीदना नहीं था वापसी। चलो फोटो होगी। Level 3 पे अभी हम आए हैं, ब्लू बिरयानी देख रहे हैं। कहाँ है भाई ब्लू बिरयानी? बिरयानी ब्लूज़ बोला गया था। तो चलो बिरयानी ब्लूज चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। यस, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले ज़्यादा फ्लाइट लेट है ना उसकी वजह से। तो आप देख सकते हो हर ब्रांड आपको देखने को मिलेगा,
एयरपोर्ट पर। तो अभी हम आए हैं बिरयानी ब्लूज पर, बिकॉज हमारी फ्लाइट थी लेट, तो लेट फ्लाइट के कारण अभी जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, जिसके अंदर हमारे वेज एंड नॉन वेज दोनों में से चॉइस है, तो आप देख सकते हो जैसे ये स्पाइस जेट डिले फ्लाइट मेनू है, वेज मील में ये है और नॉन वेज में ये, तो हमने नॉन वेज चूज करा है। अभी हमारा फूड आ चुका है और अभी हमने लिया है नॉन वेज बिरयानी, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यह है नॉन वेज बिरयानी और साथ में कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने बहस करने का हमारे को ये फायदा नहीं, बहस नहीं, जस्ट हम बस अपने राइट के लिए बोल रहे थे। यस यस, जो लेट फ्लाइट टाइम वेस्ट हुआ है, जो हम तैयारी करके आए थे जिस चीज़ के लिए हमने इतनी अर्ली यू नो बिल्कुल उठे और मतलब कि इतने अच्छे से नींद भी नहीं कर पाए, इसका फिर क्या फ़ायदा हुआ आके बिल्कुल। और यहाँ पे फिर चलो कोई नहीं, हाँ। अभी पहले अपना फूड इंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद तेरा रिव्यू लेंगे स्पाइस जेड के रिलेटेड, ठीक है? ओके, तो दोस्तों मिलते हैं फूड इंजॉय करने के बाद। बाकी पापा आ रहे ना मजे, बढ़िया भाई, जब खाएंगे और मजा आएगा, ठीक है? मिलते हैं जी, मिलते हैं। तो पापा से खाया नहीं गया तो मम्मी की प्लेट में भाई पलटाया जा रहा है यहाँ पे सामान। भाई ये होता है फैमिली के साथ आना, ये पर अच्छा लगता है क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हमने मिस करी है ना इतने टाइम से, वो आज हम देखने को मतलब हमारे को मिल रही हैं। पापा पकड़े गए, ए पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए। फूड के मज़े लेके अभी निकल पड़े हम अपनी फ्लाइट्स गेट की तरफ, और अभी हमने चॉकलेट लिए फैमिली के लिए, बिकॉज वहाँ पर हमारी फैमिली है, फैमिली से मिलने जा रहे हैं, नानी से, दीदी से, बुआ से, और अभी हमारा छोटा भाई बानी के साथ, क्योंकि हमारी बानी उठ चुकी है। ये बानी का नाम लेते, बानी देखता है बाबू हमारा। ओए 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 हाँ, अभी 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 बानी एयरप्लेन में जाएगी मुंबई। नानी जा, देख बानी जा रही है अपनी परनानी के पास, है ना? हमारी नानी, इसकी परनानी। ये चलो गाइस मिलते हैं फ्लाइट में। एयरपोर्ट पर जो ये क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती है। आप देख सकते हो ये योगा करते हुए कुछ अलग अलग तरीके से, हाँ भैया भी योगा कर रहे हैं, और आप देख सकते हो अलग अलग एंगल से ये योगा आपको बताते हुए, बहुत ही प्यारा। ये ना हमारी बानी के फर्स्ट एक्सीलेटर भी, ये देखो ये। बाकी अभी हम 44A गेट की तरफ आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर हैं, तो अभी हम बैठते हैं और अपनी फ्लाइट का वेट करते हैं। ये 44A भी कुछ इस तरफ है, तो चलो वेट करते हैं अपनी फ्लाइट का। 44A हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है भाई अंदर एंट्री, तो चलो एंट्री ले लेते हैं अपना बोर्डिंग पास दिखाते हुए। चले नोनी, बड़ा लेट हो गया यार, मूड खराब। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बानी से पूछे, बानी ओए जैस ओए टकलू, बिजी है वो भाई, बिजी है अभी, कह रहे तुम चलो 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 चलो, तो चलो एंट्री लेते हैं। फ्लाइट तक जाने के लिए ना ये हमें बस मिली है, तो इस बस में जाएंगे। ये दिल्ली सरकार वाली बस ही लग रही है बिल्कुल, एसी वाली, तो अभी इसमें चलो चलते हैं और फिर करते हैं एंजॉय। चलो ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है। चलो देखो मज़ा आने वाला है, और हम तो खड़े होकर जाएंगे क्योंकि हमको फुल व्यू देखते हुए जाना है, तो हम आगे आगे खड़े हो जाते हैं इधर। ओए वाओ, एरोप्लेन में बैठे हैं टकलू हमारा। आजा चले। हम इस बस से आए हैं और अभी हम ये फ्लाइट में जाने वाले, ये हमारी भाई फ्लाइट है, इसका है एंकोर एयरलाइन, जो कि अभी बैंकॉक से आ रहे सीधा और अभी मुंबई जाएगी, तो अभी हम अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं एंट्री लेने वाले हैं, तो बाकी सब आ रहे हैं अपने रिलेटिव यानी फैमिली। चलो 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 चलो, तो हमारा बानी जा रहा है भाई, फाइनली फाइनली हमारा बानी। तो सबसे पहले मम्मी, फिर काजल, फिर हम। फाइनली इतना वेट करने के बाद हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कराया यार स्पाइस जेड ने, अगली बार नहीं करेंगे स्पाइस जेड को बुक। और ये देखो जी सर, फाइनली और वो देखो हमारे बानी, देखना एसी कितना हुआ। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारी भाई स्पाइस जेड फ्लाइट, और अभी ये देखो, ओ ये फ्लाई होते हुए भाई, ये क्या बात है, बाहर का नज़ारा अभी कुछ ऐसा है, और अभी थोड़ी देर में हम जाने वाले बादलों में। ये देखो वो देखो बानी को, तो भाई अभी से मज़ा आ रहे हैं।
पानी को इसलिए मजा आ रहा है कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट है। वैसे भी उसको पता नहीं कि फ्लाइट है क्या, मतलब लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना उसको बचपन में ही मिल जाएगा। बानी जैस 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 से देखती है भाई ये जैस नानू से भाई मजे ले जा रहे ये भाई जैस भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट अपने लाइफ की एंजॉय कर रही है। तो अपनी फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है और रनवे की तरफ बढ़ती हुई अभी बैक हो रही है अभी अपनी फ्लाइट। एंड देख सकते हो कुछ अभी हम वहाँ से सुबह यहाँ से फ़ोटो खींच क्लिक करवा रहे थे और फाइनली फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ। ये बहुत ही बढ़िया ओ भाई गंदा बच्चा हमारा ओए ओ भाई। और ये वाली सीट हमारी भाई बानी की है पर अभी बानी गोदी में है। ये जो एक्सपीरियंस रहता है ना यार बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहता है कि फ्लाइट के थ्रू हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर वो भी अपने फैमिली के साथ। और सामने ही खड़ा है विस्तारा ये देखो ये भी हमारे पास चलने के लिए रेडी है भाई। अपनी फ्लाइट थी सुबह 6:10 की ठीक है और अभी जो टाइम हो रहा है ना ये सुबह के 10:37 शिट यार इतना लेट। हमारा पता है पूरा प्लान चौपट हो चुका है गुस्सा चढ़ रहा है स्पाइस जेट पे लेकिन यार पहुंच रहे हैं कोई बात नहीं एक दिन और लगा देंगे मुंबई में। बाकी अपनी भाई फाइनली हो चुकी है भाई फ्लाइट स्टार्ट और अभी रनवे इस तरफ है कुछ वो जैसे रनवे है ये देखो ये रहा रनवे यहाँ से बिल्कुल इस तरफ तो मज़ा आने वाला है। इनको मज़ा आ रहा है और पापा डर रहे भाई पापा भी हंस रहे हैं और ये देखो फुल स्पीड में और ये अपनी फ्लाइट ये फाइनली चल हवा में और अभी तो पुलिस स्पीड में है ये पापा को मजे आ रहे भाई ये और हम फाइनली हवा में ये देखो जी और फाइनली ये हमारी दिल्ली सारी क्या बात है यार क्या नज़ारा दिखता है ऊपर से ये अरे ये तो द्वारका वाला है ये रास्ता जो है द्वारका वाला ये रहा हमारा द्वारका मोड़ वाला मेट्रो स्टेशन इस तरफ। वाओ ओ माय गॉड ओ झुक गया ओ भाई साहब क्या व्यू दिख रहा है यार ओ माय गॉड और देखो पापा का रिएक्शन देखो भाई डर रहे पापा डर लग रहा है ओ भाई पापा को डर लग रहा था भाई। और फाइनली ये देखो अब देखो हम कितना ऊपर पहुंच चुके हैं ओ माय गॉड और बादलों के बीचों बीच ये वाओ यार वाओ ब्रिलियंट ओए होए नेक्स्ट लेवल। और अब देखो यहाँ से बादल देख सकते हो ये छुप गए भाई बादलों के बीचों बीच यहाँ पर देखो घने ही बादल ओ भाई सब गायब अब ओ फिर से देख के वाओ यार ओए सब कितने छोटे छोटे घर लग रहे हैं और जब हम सामने से गुजरते हैं ये हम ऊपर हाइट की तरफ देखते हैं ये देखो ही। हम तो आते रहते फ्लाइट में लेकिन मेरा नाइट की हमेशा करता था कि मतलब मुझे डरना लगे लेकिन अब मैं फर्स्ट टाइम दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ फ्लाइट का तो बाकी यार दिन में भी इतना प्यारा व्यू देखने को मिलता है मैं फर्स्ट टाइम यार ये नोटिस कर रहा हूँ। बाकी ऊपर देखो यार वो ब्लू आसमान और ये देखो बादल देखो एक सारे क्लाउड्स कितना ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है यार ब्रिलियंट यार ब्रिलियंट नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर देखो आप ऊपर की तरफ ओ माय गॉड और इधर पहले डैडी को डर लग रहा था और अब मोबाइल चला रहे हैं मजे से ये
और इधर देखो ये आराम करता हुआ। तो जैसा कि वो फ्लाई कर चुके हैं और अपने डैड से ना पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम उनकी जैसे ये फ्लाइट है तो कैसा एक्सपीरियंस है, और अपने पेरेंट्स से मतलब मॉम एंड डैड एंड अपने सिस्टर से पूछते हैं कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया है। पहले क्यों डर रहे थे? पहले इसलिए डर लग रहा था जब जैसे ऊपर जा रहे ना तो क्या पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम दिल धक 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 करने लग गया, पर अब बैठा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में। जब रनवे पे दौड़ रहा था ठीक है जो अपना प्लेन, तो जब डर लग रहा होगा और जब हवा में गया फिर कैसा फील होया? जब मेरे को जब ऊपर जब जा रहे एकदम डर ऐसे बैठ गया, मैं तो डर की वजह से नीचे हो गया डर सब बैठ गया। बाकी हमारी जैसे पानी का भी फर्स्ट टाइम है, वो तो सो गई, पानी तो सो गई देखा भी अब सही है। मम्मी कैसा लग रहा है? और काजल हमारी पानी तो भाई अभी मज़े से नींद कर रही है, और छोटा वाला भाई अभी क्या हुआ है वॉशरूम, तो अभी वॉशरूम भी चलेंगे। यहाँ का जो वॉशरूम होता है ना बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। अभी मैं कह रहा था पानी सोई हुई है, लेकिन भाई पानी का नाम लिया हमने और पानी उड़ गई, पर अभी भी नींद में है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ प्लेन के वॉशरूम में, और आपको मैं वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप हैंड वॉश वगैरह कर सकते हो, सोप दे रखी है, ये पेपर है, और देख सकते हो कुछ इस तरीके का, कितना यार कम इस स्पेस में कितना अच्छा बना रखा है, आप ऐसे तो यहाँ से पकड़ सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके का ये वॉशरूम होता है, और ये फ्लाइट जो है ना बैंकॉक से अप डाउन करती है एंड फिर उसके बाद मुंबई लेके जाती है, ठीक है? तो ठीक है, बहुत बेस्ट है, चलो चलते हैं अपने सीट पर। फाइनली अभी हम मुंबई पहुँचने वाले हैं, और अभी हमारी जो फ्लाइट है वो बिल्कुल लैंड हो रही है, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं फास्ट, और रिएक्शन देखते हैं मम्मी डैडी का। ये देखो जी वहाँ पर देखते हैं, मम्मी तो मज़े में नोनी नोनी पापा बड़े डरते हैं यार, उनका फर्स्ट टाइम है ना, एक्साइटेड है उनका डर नहीं लग रहा, वो एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते ना खुशी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये देखिए और फैमिली ट्रिप है, और फाइनली हम मुंबई पहुंचते हुए कुछ ही समय में हम नीचे लैंड करेंगे। ये ओह छोटे छोटे घर दिख रहे, छोटे छोटे। मम्मी डैडी का रिएक्शन शूट करते हुए ये भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के बाद, और यहाँ से आप लोकल ट्रेन भी देख सकते हो। ये देखो लोकल ट्रेन आती हुई कितनी फास्ट जा रही है, वाह। और ये देखो मुंबई में किस तरीके का क्राउड है यार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। आप देखो कितना ज़्यादा क्राउड है भाई मुंबई में, तो ये देखो कितनी सारी झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, ओह माय गॉड। और फाइनली ये मोनो रेल जाती है, और ये देखिए, और ये स्टेशन, और फाइनली अभी हम नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और लैंड करने वाले, तो बाकी आप देख सकते हो उधर का कुछ नज़ारा। और ये जो विंग्स हैं प्लेन के, और ये देखो, और ये देखो जी, और इधर से मम्मी डैडी का रिएक्शन की बाहर की तरफ, और हम फाइनली मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और ये और आसमानी हवा ख़त्म, और अब ज़मीनी हवा स्टार्ट। ये पहुंच गए ओए 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 भाई साहब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। ये देखो जी विंग्स देख सकते हो, ये ब्रेक है सारे, ओह माय गॉड। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, वहाँ पे गो एयर इंडिया वगैरह इंडिगो लैंड कर चुके हैं, जो लास्ट में आना मजा। अभी हम पहुँच चुके हैं और अभी हम अपना बैग उठा लेते हैं और सीधा मिलते हैं बाहर जब हम अपने एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। तो फाइनली ये थी हमारी कुछ फ्लाइट और हम पहुँच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट, बहुत अच्छा रहा, और चलो चलते हैं एयरपोर्ट से पहले।
विजिट करते हैं, फिर मिलते हैं और एक्सपीरियंस बताते हैं अपने मॉम डैड का कि कैसा लगा उन्हें। तो नोनी, हमारी बानी की फर्स्ट फ्लाइट थी ना ये, और अभी बानी हमारी सोई हुई है और काजल हमारी पीछे रह गई डैडी के साथ। तो फाइनली ये थे भाई कुछ मुंबई एयरपोर्ट, और देखो अभी हम यहाँ का जो वेदर है ना, इतना प्यारा बना हुआ है और वहाँ पे सारे फ्लाइट्स हैं, और अभी हम इस बस में आए हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। पापा मजा आया ना? बहुत बढ़िया, आने का टाइम हुआ, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, और जब हम यहाँ से जब फ्लाई करने वाले थे, जब बड़ा डर लग रहा था, और जब लैंड करने वाले थे, जब लैंड करने वाले थे, जब तो बड़ा मजा आया ना, मजा आ रहा था एक्चुअली। जब वो डक 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 आवाज आती है ना, आवाज बहुत आ रही थी, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है ये। मतलब सीटें पापा ने ना टाइट और पकड़ लिया, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने बहुत टाइट पकड़ लिया। ओ भाई, पर मजा आया भाई, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा। चलो अब अपना बैग ले लेते हैं, लगेज ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी हमने अपना लगेज ले लिया है, तो हमारा भाई ये देखो मेहनत मजदूरी करता हुआ, बाकी ये हमारे तीन, ये देखो जी। और सबसे जो हमारी, मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना, ये हमारी बानी की फर्स्ट फ्लाइट थी, है ना बानी? अच्छा लगा? ओई कहते अच्छा लगा मामी। हो भाई, तो भाई मज़ा आ गया। पर भाई तो अभी चलो बाहर चलते हैं और अपना यहाँ से ऑटो या कैब करते बुक, और सीधा निकलते अपने रिश्तेदारों के घर, यानी अपने दीदी के घर, बुआ के घर। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा उल्लासनगर। तो ठीक है, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं आपको ऐसे कुछ बढ़िया से ब्लॉग के साथ, सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।